So students, continuing the previous one, so now we get this very important thing here. बहुत ही important चीज आपको मिली आप, ये जो EMF induced हुआ किसकी वजह से? Flux change होने की वजह से. और flux किस वजह से change हुआ? Because of rotation of the coil, because of change in theta. इसी EMF को हम बेटा कहते हैं alternating EMF. इसको हम कहते हैं alternating EMF. तो अगर आप आपको इसकी करंट भी देखनी है, you can write I is equal to E by R, where R is the resistance. It will be E naught sine omega t divided by R. तो I क्या बना बेटा? I naught sine omega t. This is alternating EMF expression. This is alternating current expression. But keep one thing in mind. This is called instantaneous value of alternating EMF. This is called instantaneous value of alternating current. This is the EMF at some particular instant of time. This is the current at some particular instant of time. So these are referred to as instantaneous values. So when we are showing it graphically, we are representing a sinusoidal graph. You all know very well, sinusoidal graph like this. ऐसे यहां पे बेटा ये बना इसका पीक वैल्यू E नॉट, क्योंकि साइन के साथ जब कोई चीज मल्टीप्लाई में आती है वो ऑसिलेटिंग बन जाती है, वो बाउंडेड बन जाती है. यानी क्योंकि आपको पता है साइन थीटा का वैल्यू लाई करता है हमेशा माइनस वन और प्लस वन के बीच में. यानी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू प्लस टू एंड माइनस टू. अब अगर इस साइन थीटा के साथ ए साइन थीटा आ गया, सॉरी नॉट प्लस टू, इट्स प्लस वन एंड माइनस वन. अगर अब ए साइन थीटा आ गया, इट विल बी प्लस ए एंड माइनस ए. इसी तरीके से यहां पर क्या है बेटा? यहां पर है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टू. सो E नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका वैल्यू बाउंडेड हो जाएगा बिटवीन प्लस E नॉट एंड माइनस E नॉट. यानी वी कैन राइट E मैक्स इज प्लस माइनस E नॉट. दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज पीक वैल्यू. अब अगर आपको पूछा जाएगा पीक वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, आप क्या बताएंगे? नंबर ऑफ टर्न से, मैग्नेटिक फील्ड से, एरिया से, ओमेगा से. तो ये इसका कर्व साइनोसॉइडल. पहले इसमें ईएमएफ का वैल्यू बढ़ेगा मैक्सिमम तक, फिर कम हो जाएगा, फिर और बढ़ेगा, बट विद अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है पोलैरिटी ही चेंज हो जाती है. क्या हो जाती है? अगर पहले एंड ए पॉजिटिव पोल पे था और एंड बी नेगेटिव पे था, तो करंट ए टू बी फ्लो होगी, और ये करंट स्टेडी करंट नहीं होगी. इट विल बी द चेंजिंग करंट. फर्स्ट इट विल इंक्रीज, रीच द मैक्सिमम, देन डिक्रीजेस. डायरेक्शन विल बी सेम, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल डिक्रीज. एंड आफ्टर दिस हाफ लाइफ व्हाट विल हैपन? द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन. नाउ इट विल कम फ्रॉम बी टू ए. सो पोलैरिटी हैज बीन चेंज्ड. इफ इट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, नाउ बी इज पॉजिटिव, ए इज नेगेटिव. दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस हाफ. क्लियर है? तो इसी के साथ यहां पर हम कह सकते हैं आप, ये जो बना ये बना इसका एक साइकिल, और इसमें कितना टाइम लग गया उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ एसी. क्या कहते हैं? जैसे कि आपने लिखा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी.
अगर आपने स्मॉल टी को लिखा कैपिटल टी, तब थीटा क्या बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब थीटा बनता है 2 पाई, बिकॉज व्हेन स्मॉल टी इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल टी इट मींस वन कंप्लीट टाइम पीरियड. वन कंप्लीट टाइम पीरियड मींस वन साइकिल, एंड वन साइकिल मींस 2 पाई. तब जाके आप इसको लिखते हैं 2 पाई नू. ओमेगा को हमेशा 2 पाई नू नहीं लिखा जा सकता है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन द टाइम इज टाइम पीरियड. अगर ये कोई डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम है, देन यू हैव टू राइट थीटा बाई टी. सो नाउ देर आर सम मोर इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द एसी. नाउ अब जब हम इस एसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू ऑफ एसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ वैल्यू ऑफ एसी इज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसी, तीन तरीके हैं. एक है इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहना, दूसरा है इसका मीन या एवरेज वैल्यू कहना, तीसरा इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहना. अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करेंगे यहां पर, इफ वी विल टॉक अबाउट, आई विल ब्रीफली टेल इट बिकॉज वी आर ऑलरेडी डिराइविंग द थिंग्स इन क्लास 12th. हियर जस्ट फॉर न्यूमेरिकल पर्पज आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन ब्रीफ. इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो सीधे है, जब आप लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू. ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हुआ, ठीक. इसका मीन वैल्यू किसके बराबर होता है, मीन वैल्यू ई मीन शबाश किसके बराबर, ट्वाइस ई नॉट बाई पाई. किसके बराबर होता है मीन वैल्यू, ट्वाइस ई नॉट डिवाइडेड बाय पाई. ये इसका मीन वैल्यू बन जाता है, ट्वाइस ई नॉट डिवाइडेड बाय पाई, ट्वाइस ई नॉट बाय पाई. बट ये जो है ये हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए. क्यों, यहां पे ये थोड़ा सा समझना हमें जरूरी है. जब हम मीन वैल्यू की बात करेंगे, अगर आप ये मीन वैल्यू पूरे साइकिल के लिए लेंगे, इसका आएगा पॉजिटिव मीन वैल्यू, ट्वाइस ई नॉट बाय पाई, इसका आएगा नेगेटिव. तो ई मीन फॉर वन साइकिल इट इज जीरो. इसीलिए डीसी वोल्ट मीटर, डीसी एम मीटर अगर आप एसी के साथ कनेक्ट करेंगे, वो उसका उसकी जो नीडल होगी वो रीडिंग जीरो पर रहेगी. दोज एम मीटर्स और वोल्ट मीटर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द एसी मीन वैल्यू ऑफ एसी. सो ई मीन इज फॉर वन साइकिल इज जीरो, इसलिए हम ई मीन को हाफ साइकिल के लिए ही डिफाइन करते हैं, और हाफ साइकिल के लिए है ट्वाइस E not by pi, twice E not by pi, और twice E not by pi जो है वो किसके बराबर आता है, approximately आप value ही याद रख सकते हैं 0.637 times E not, same for current, twice I not by pi, twice I not by pi. Now this is mean value. So mean value के लिए क्या याद रखा, it is only defined for half of the cycle. अगर आप पूरे cycle का mean value निकालेंगे तो वो कितना आएगा, zero. इसी वजह से हम ordinary ammeter और voltmeter को इस्तेमाल AC के लिए नहीं करते हैं. AC measure करने के लिए अलग instrument ही इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं hot wire instrument. Now the third one is RMS value. इसको virtual value भी कहा जा सकता है.
इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जा सकता है। आरएमएस वैल्यू क्या आता है करंट का या ईएमएफ का, पहले ई आरएमएस, ई नॉट बाय रू टू आई आरएमएस, ये डिराइव्ड है आई नॉट बाय रू टू। और जब आप इसको न्यूमेरिकल देखेंगे आप ये याद रखो न्यूमेरिकल्स के लिए सीधे, यस कीप इट दिस। सो दिस इज कॉल्ड एज आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। इट इज दिस वैल्यू विच वी कैन मेजर विद द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। और एक फैक्टर इसमें डिफाइन होता है, उसको हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर ऑफ एसी। फॉर्म फैक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू, फॉर्म फैक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर किसके बराबर होता है? फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या है? आई नॉट बाय रूट टू ट्वाइस आई नॉट बाय पाई। ये तो ये कितना आता है? ये आता है पाई बाय टू रूट टू एंड दैट इज 1.11। That's called form factor, which is 1.11. We'll continue the things in the topics to come.